आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। खास दिन, खास शो, खास वक्त और ये सब चीजें खास मौसम में हो तो क्या बात है। खास मौसम मतलब अगर बारिश हो रही हो, पूरे हिंदुस्तान में बारिश हो रही है और बारिश में हम लेकर आ गए हैं, हम मतलब मैं सिद्धार्थ और मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया 92.7 बिग एफएम पर। नाम वैसे तो पता है आपको, मैं फिर भी दोहरा देता हूँ, वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। आज का दिन और भी ज़्यादा खास है क्योंकि वैसे तो फिल्मों को एक डायरेक्टर्स मीडियम कहा जाता है, लेकिन कहानी का भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ऐसा कहा जाता है कि 60-70% फिल्में कहानी के बल पर ही चलती हैं और मैं इसमें यकीन रखता हूँ। आज 17 जुलाई है, उनकी बात कम होती है लेकिन अगर उनकी आइकॉनिक फिल्मों का जिक्र करने लग जाएं तो 2 घंटे भी कम पड़ेंगे। बहुत ही कमाल के राइटर और उतने ही कमाल के इंसान, सचिन भौमिक। भावना जी, मैं शुरू करूंगा आपसे ये पूछ कर कि सचिन भौमिक का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या तस्वीर निकल कर आती है? बचपन से मैंने जितनी फिल्में देखी है और हमेशा जब उनका नाम आता था तो ये एक नाम जहन में रह चुका है, मगर कभी मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं और आप बैठकर इस रिकॉर्डिंग रूम में सचिन भौमिक की बात करेंगे। और उनका जिक्र होता था जब कभी मैं किसी भी फिल्म मेकर से मिलती थी या एक्टर्स से मिलती थी, हमेशा वो उनके बारे में बताते थे। यशराज पे जब मैं यश चोपड़ा को मिलने गई थी तो उन्होंने कहा कि हम आज नए नए राइटर्स की बात करते हैं मगर हम भूल जाते हैं कि सचिन भौमिक जैसे पंडित मुखराम शर्मा के फेज़ में ही आए थे और कैसे हमेशा उनकी ये कोशिश रहती थी कि अलग अलग कहानियाँ डायरेक्टर्स को पेश करें। और बहुत डिसिप्लिन्ड राइटर्स होते थे जी, कि एक डायरेक्टर में डायरेक्टर के दिमाग में एक बात चल रही है, डायरेक्टर जाके राइटर से मिलते थे और कहते थे कि मुझे ऐसी कहानी चाहिए। द राइटर यूज़ टू आस्क फॉर अ डेडलाइन और ठीक एक हफ्ते के बाद ऐसी कहानी का एक ढांचा तैयार हो जाता था। और यही वजह है कि इतने ज़्यादा क्रिएटिव होने के बावजूद, मतलब कहानियों में ट्विस्ट एंड टर्न्स कमाल के होते थे, फिर भी एकदम प्रोफेशनल, अगर हफ्ते की बात हुई है तो हफ्ते में कहानी पहुंच जाएगी आपके पास। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये जानना कि जब सचिन भौमिक साहब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए तो बीइंग अ बंगाली उनके एसोसिएशंस भी उस जमाने के बहुत ही नामचीन बंगाली डायरेक्टर्स के साथ बन गए। उन एसोसिएशन की बात होगी और एक एसोसिएशन तो कमाल का था, किनके साथ जानेंगे आज। बस सबसे थोड़ी देर में सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं हूं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमैया, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। स्वागत, वेलकम 92.7 बिग एफएम पर। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ भावना सोमैया। शो का नाम वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, जहां पे फिल्मी हस्ती की बात होती है, उनकी जिंदगी की, उनके काम की बात होती है। आज 17th जुलाई है, बर्थ एनिवर्सरी एक बहुत ही मशहूर राइटर की, लेकिन अफसोस कि बहुत ज़्यादा उनकी बात होती नहीं है। लेकिन जब हम उनकी फिल्मों की बात करेंगे तो पता चलेगा कि कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। 94 फिल्में लिखी हैं सचिन भौमिक साहब ने। भावना जी, जब वो शुरुआत में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो इंटरेस्टिंगली बंगाली फिल्म मेकर्स के साथ उनके एसोसिएशंस बहुत कामयाब रहे। इसकी एक जर्नी थी क्योंकि सचिन भौमिक एक बहुत ही रुचि रखते थे सिनेमा में, बंगाली सिनेमा में भी और हिंदी सिनेमा में भी। और उनका एक कॉलम होता था जो बंगाली मैगजीन में आता था, जो मैगजीन का नाम था उल्टो रथ। और ऋषिकेश मुखर्जी उनके ये कॉलम के फ़ैन थे। तो जब बम्बई आने के बाद उन्होंने सबसे पहली फिल्म जो लिखी वो थी लाजवंती, निर्मल सूरी के लिए। इस फिल्म की कहानी बहुत ही पाथ ब्रेकिंग थी बिकॉज इट इज़ अबाउट सीता एंड राम सेट इन टुडेज टाइम। और इसमें नाज का भी बहुत अच्छा कैरेक्टर था जो नरगिस की बेटी का रोल निभाते हैं। तो ऋषिकेश मुखर्जी की मुलाकात हुई सचिन भौमिक के साथ और एक लंबा एसोसिएशन रहा। उन्होंने करीबन 8 फिल्में साथ में की जिसमें इंक्लूडेड है मेम दीदी, अनुराधा विच ऑल्सो वन अ नेशनल अवार्ड फॉर राइटिंग, इसके अलावा छाया और इट कैरिड ओवर द डकेट्स। सो देर वॉज गोलमाल, बेमिसाल, झूठी, नामुमकिन,
किसी से न कहना, और आप देखो तो सारी कहानियां बिल्कुल अलग है जी। और सारी कहानियों में जो किरदार है वो मेमोरेबल कैरेक्टर्स है, हम आज भी सारे कैरेक्टर्स को याद रखते हैं, जो आमतौर पे नहीं होता है जी। ऋषिकेश मुखर्जी के साथ साथ उनके एसोसिएशन रही एक और बंगाली डायरेक्टर के साथ, प्रमोद चक्रवर्ती, जो बिल्कुल ही अलग टाइप के डायरेक्टर्स थे, मोर मेन स्ट्रीम म्यूजिकल, ऑल्सो मोर ड्रामेटिक एंड नॉट रियलिस्टिक सिनेमा लाइक ऋषिकेश मुखर्जी। तो प्रमोद चक्रवर्ती के साथ उन्होंने फिल्में बनाई जैसे लव इन टोक्यो, जिद्दी, उसके बाद तुमसे अच्छा कौन है, तुम हसीन मैं जवान, तो 70s में आई, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की इस फिल्म से पैर बनी, और आगे चलकर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के साथ और फिल्में बनाई जैसे जुगनू और अमिताभ बच्चन के साथ नास्तिक। एक और बंगाली फिल्ममेकर 60s में जिन्होंने तहलका मचा दिया था, उनके साथ भी एसोसिएशन बना लेकिन एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, एक बहुत कामयाब फिल्म को लेकर। कौन सी फिल्म, कौन सा फिल्ममेकर, कैसे सचिन भौमिक साहब कंट्रोवर्सी में फंस गए थे, ये जानेंगे आज। उन्हीं की बात हो रही है, सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ भावना सोमैया, 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम, संडे का दिन खास दिन होता है, सुकून का दिन होता है, और एक सुकून भरा बहुत ही खास शो लेकर आ जाता हूं मैं सिद्धार्थ, और मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमैया। शो का नाम वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। शो का नाम ही अपने आप में बहुत कुछ बयां कर जाता है। एक फिल्मी हस्ती की बात होती है, उसकी जिंदगी की बात होती है, उसके काम की बात होती है, और आज जिन्होंने ऑलमोस्ट 50 साल या उससे भी ज्यादा काम किया, सचिन भौमिक साहब, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है 17th जुलाई, तो आज उनकी बात हो रही है। हमने एसोसिएशंस की बात की बीइंग अ बंगाली, उनके बंगाली फिल्म मेकर्स के साथ, जैसे ऋषिकेश मुखर्जी साहब के साथ, प्रमोद चक्रवर्ती साहब के साथ, ताउम्र एसोसिएशन बना रहा। भावना जी, एक और बहुत इंटरेस्टिंग एसोसिएशन, और वो एसोसिएशन शक्ति सामंत साहब के साथ। 60s उनका भी एक डिफाइनिंग फेज था, वो अब गैंगस्टर फिल्मों से रोमांटिक फिल्मों की तरफ आ चुके थे, और ट्विस्ट एंड टर्न से भरी कहानियां होती थी, और इसमें सहारा मिला सचिन भौमिक साहब का। एन इवनिंग इन पेरिस, एक सुपर डुपर हिट फिल्म, और खूबसूरत फिल्म, और खूबसूरत फिल्म, ग्लैमरस फिल्म, लेकिन एक फिल्म के दौरान हो गई कंट्रोवर्सी, और ये आपके ही बहुत ही करीबी दोस्त जो हमारे शो पे आ भी चुके हैं असीम सामंता साहब ने हमें ये कहानी बताई थी जी, आराधना की कहानी जी। और आराधना उस समय इतनी बड़ी फिल्म नहीं मानी जा रही थी क्योंकि राजेश खन्ना साहब बहुत नए थे, और फिल्म के मुहूर्त के 2 दिन पहले जो हुआ था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, कि सुरेंद्र कपूर साहब, सुरेंद्र कपूर यानी बोनी कपूर के पिताजी, यानी अनिल कपूर के पिताजी, अर्जुन कपूर के दादाजी और सोनम कपूर के दादाजी, कई लोग उनको वैसे भी जानते होंगे शायद जी। वो एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे और उन्होंने शक्ति सामंत साहब को दावत दी कि आप आएं और फिल्म की स्क्रीनिंग देखें आराधना के मुहूर्त के 2 दिन पहले। शक्ति सामंत साहब अवाक रह गए थे, शॉक्ड थे फिल्म देख के, क्योंकि फिल्म एग्जैक्टली आराधना की कहानी पर थी। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे भप्पी सोनी साहब, फिल्म का नाम था एक श्रीमान एक श्रीमती, आपके फेवरेट, हमारे फेवरेट शशि कपूर साहब, साथ में बबीता जी। ये सबब बना एक तरीके की, मतलब लड़ाई हो गई और फिर कभी काम ना करने का फैसला कर लिया शक्ति सामंत साहब ने सचिन भौमिक के साथ। फिल्म के कहानी को ट्विस्ट दिया था गुलशन नंदा जी ने, जो हम आराधना का सेकंड हाफ देखते हैं वो एक्चुअली गुलशन नंदा जी का लिखा हुआ है, प्रपोज किया हुआ है, तो ये भी एक कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है कई बार राइटर्स के साथ। नहीं बल्कि ये जो किस्सा है उसे 2-3 बातें जाहिर होती हैं, कि उस जमाने में लोग अपने कोलीग्स को अपनी फिल्म दिखाने के लिए बुलाते थे। अभी क्योंकि सुरेंद्र साहब ने शक्तिदा को बुलाया तो शक्तिदा को पता चला कि यही कहानी है। शक्तिदा मुश्किल में आ गए, सचिन भौमिक के साथ बिगड़ गए, मगर गुलशन नंदा राइटर होने के बावजूद दूसरे राइटर की कहानी में उन्होंने इनपुट्स दिया, नाम नहीं लिया, तो ये भी होता था। तो और तीसरी बात ये होती थी कि मुद्दा ये है कि क्या सचिन भौमिक ने ये जानबूझ के किया, क्या सचिन भौमिक ने मिसचीफ किया, या सचिन भौमिक बहुत सारी फिल्में लिख रहे थे तो प्रेशर था। कभी कभी बहुत प्रेशर होने से आप सोचते हैं कि थोड़ी सी कहानी वही दे देंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, और उस जमाने में मगर पड़ता था। आज के दौर पे हर डायरेक्टर इतना कॉन्फिडेंट है कि वो सोचता है कि मैं तो अलग तरीके से पेश करूंगा। जादूगर और तूफान की कहानी सेम थी, इसके बारे में भी कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके पहले
यादों की बारात और जंजीर की कहानी भी सेम थी। यस। और ये दोनों जो किस्से मैं बता रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडिंग राइटर्स से ये बात हुई है। लेकिन बावजूद इसके सचिन भौमिक साहब की जिनके साथ दोस्ती हो जाती थी ताउम्र कायम रहती थी, एक बहुत ही खास दोस्त सचिन भौमिक साहब के, वो फिल्म मेकर नहीं थे, वो एक जीनियस थे, हम सबके बहुत ही ज्यादा फेवरेट थे। सचिन भौमिक को ड्राइव करना सिखाया था उन्होंने। किन की बात कर रहा हूँ बताऊंगा, उस दोस्ती की बात होगी। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ भावना सोमैया। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम खास शो वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ भावना सोमैया। संडे का दिन 17th जुलाई और आज बर्थ एनिवर्सरी उस इंसान की जिसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कई सुपरहिट फिल्मों के पीछे रहा है, लेकिन हम उनकी बात ज्यादा नहीं करते। द राइटर, द लेजेंडरी राइटर सचिन भौमिक साहब। 50 से ज्यादा सालों तक अपने आप को रिलेवेंट बनाए रखना और अपनी कहानियों को रिलेवेंट बनाए रखना हिंदी फिल्मों में, ये बहुत बड़ी बात होती है और मुझे नहीं लगता कि सचिन भौमिक साहब के अलावा ये काम कोई कर पाया। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये रही कि अंदर से एक बहुत ही नेक इंसान, दोस्ती कर ली एक बार तो ताउम्र कायम रही। अभी कुछ देर पहले हमने भावना जी एक कंट्रोवर्सी की बात की कि शक्ति सामंत साहब के साथ वो आराधना में काम कर रहे थे, एक सिमिलर फिल्म में सिमिलर कहानी उन्होंने किसी और को दे दी थी, तो शक्ति सामंत साहब के साथ रिश्ते थोड़े बिगड़ गए। लेकिन जहां आराधना के वक्त एक रिश्ता बिगड़ता है, वहीं एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बनता भी है। पंचमदा यानी कि हम सभी के फेवरेट आरडी बर्मन साहब असिस्ट कर रहे थे एसडी बर्मन साहब को आराधना में, और वहां उनकी पहचान होती है सचिन भौमिक से। एक बहुत बड़ी वजह यह भी रही होगी क्योंकि दोनों बंगाली और दोनों की फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली, तो बंगाली में ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे, सिटिंग्स में बैठते भी थे। दोस्ती इस कदर बढ़ती है कि एकदम जिसे यार कहते हैं ना, चडी बडीज जिसे कहते हैं, वो बन गए एक दूसरे के। ये भी कहा जाता है कि सचिन भौमिक साहब बहुत डरते थे ड्राइव करने में और दोनों सेंटा क्रूज में ही रहते थे, तो डांट डांट के आरडी बर्मन साहब ने उनको वी आर्स में जब कोई नहीं होता था तो गाड़ी चलाना सिखाते थे, ड्राइव करना सिखाते थे, और भी कई कहानियां हैं। और कितनी आइकॉनिक फिल्में दोनों ने साथ में की हैं। नहीं, और जब आप ये बात बच्चे बता रहे हो कि वो रात को आरडी साहब उनको गाड़ी चलाना सिखाते थे, तो मैं सोच रही हूँ कि इसी तरह से आरडी साहब की दोस्ती हुई थी गुलजार साहब के साथ। तो आरडी बर्मन को हमेशा राइटर्स से एक अट्रैक्शन रहा है, तो पहले उन्होंने स्क्रीन प्ले राइटर के साथ दोस्ती की और बाद में लिरिसिस्ट और पोएट और डायरेक्टर के साथ दोस्ती की। और आराधना में जैसे आपने दोस्ती की बात की कि सचिन दा हमेशा बहुत अच्छी दोस्ती निभाते थे, आराधना में शर्मिला टैगोर को लाना सचिन भौमिक का कंट्रीब्यूशन था, बिकॉज शक्ति दा वॉज डिबेटिंग फॉर सम अदर हीरोइन, ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट शर्मिला टैगोर इन दैट रोल, क्योंकि उनको शायद लगा कि शर्मिला टैगोर इज टू ग्लैमरस फॉर द रोल। मगर शर्मिला टैगोर को हिंदी सिनेमा में लाने के लिए भी सचिन भौमिक का कॉन्ट्रीब्यूशन है। सचिन भौमिक और शर्मिला टैगोर की माँ दोस्त। तो सचिन दा ने शर्मिला टैगोर की माँ मिसेस टैगोर को ये कन्विंस किया कि इट इज ऑल राइट फॉर हर टू कम इनटू मूवीज, हिंदी मूवीज। रे के साथ तो काम कर ही रही थी, जी। और दोस्ती की जहां तक बात है, तो जैसे गुलजार साहब ने कहा जाता है कि जब फिल्म बनानी शुरू की तो आरडी बर्मन साहब को ही प्रेफर किया था एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, उसी तरीके से एक फिल्म सचिन भौमिक जी ने भी बनाई थी, डायरेक्ट की थी, हालांकि बिल्कुल नहीं चली वो फिल्म। इसमें भी शर्मिला टैगोर, इसमें भी राजेश खन्ना, आराधना वाली ही टीम, राजा रानी फिल्म का नाम, और बहुत मदद की इस फिल्म को बनाने में आरडी बर्मन साहब ने। म्यूजिक उसका कमाल का, खासकर वो गाना जब अंधेरा होता है आधी रात के बाद। ये फिल्म मुझे परफेक्टली याद है क्योंकि मैं एग्जाम्स के लिए पढ़ रही थी और मैंने और मेरी सहेली ने कहा कि हम फटाफट अपना कोर्स खत्म करते हैं ताकि जाके हम ये फिल्म देख सके। और न सिर्फ बहुत कमाल के डायरेक्टर्स के साथ एसोसिएशन रहा, कुछ बहुत ही कमाल के स्टार्स की बहुत ही कमाल की आइकॉनिक फिल्में लिखी सचिन भौमिक साहब ने, जिन्होंने करियर चेंज कर दिया, टर्न अराउंड फिल्म्स जिन्हें कहा जाता है। वो कौन कौन सी फिल्में थी ये जानेंगे आपसे थोड़ी देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर Once upon a time in Bollywood।
92.7 बिग एफएम संडे का दिन बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड 17 जुलाई। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ भावना सोमैया, और आज हम दोनों बात कर रहे हैं एक बहुत ही कामयाब और बहुत ही सक्सेसफुल और जीनियस राइटर की। जीनियस इसलिए क्योंकि जिस तरीके की कहानी वो मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्मों के लिए लिखते रहे 50 से ज्यादा सालों तक, इतनी फिल्में लिखना, 94 फिल्म्स, ये एक जीनियस का ही काम हो सकता है। उस जीनियस का नाम सचिन भौमिक साहब। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन को याद कर रहे हैं और हमने एसोसिएशंस की बात की, बंगाली डायरेक्टर्स के साथ उनके एसोसिएशन की बात की। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात भावना जी उनके बारे में, वो ये कि कई बहुत बड़े स्टार्स की बहुत बड़ी आइकॉनिक फिल्में लिखी हैं सचिन भौमिक साहब ने। हमने आराधना की इतनी बात कर ली, एक तरीके की स्टार मेकर रही है वो फिल्म, उसने हमें राजेश खन्ना दिया है। उसी दौरान, उसके एक साल पहले, एक बहुत ही अलग मिजाज की फिल्म अगर हम शम्मी कपूर साहब को देखें, क्योंकि शम्मी कपूर साहब जाने जाते रहे अपने रॉकस्टार इमेज के लिए जी। लेकिन एक फिल्म जिसने उनके इमेज को पूरी तरीके से बदल के रख दिया वो थी ब्रह्मचारी। भप्पी सोनी साहब की फिल्म थी वो, जीपी सिप्पी साहब प्रोड्यूस कर रहे थे और सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा था कि शम्मी कपूर अगर हेलीकॉप्टर से नहीं उतरते हैं, कोई लड़की के साथ रोमांस नहीं करते तो फिल्म कैसे चलेगी। एग्जैक्टली। मगर इसी फिल्म से प्रेरित होकर बोनी कपूर ने अपने भाई के लिए मिस्टर इंडिया बनाई थी। एग्जैक्टली। सोचिए कहानी करीब करीब सिमिलर, अगर हम मोगैम्बो वाला एंगल छोड़ दें तो ब्रह्मचारी की ही कहानी है मिस्टर इंडिया जी। और इस फिल्म के लिए बाय द वे शम्मी कपूर साहब को उनका इकलौता बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। बट नॉट सिर्फ द एक्टर्स, जैसे ऋषि कपूर ने कहा है कि जितने भी रोमांटिक सीन्स या रोमांटिक रोल्स है कोई भी एक्टर के लिए, तो वो सचिन भौमिक ने ही लिखे हैं। खुद ऋषि कपूर साहब, सबसे ज्यादा आइकॉनिक फिल्म कर्ज 1980 रिटन भाई सचिन भौमिक। दो कर्ज इज नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल क्योंकि इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम रेइनकार्नेशन ऑफ पीटर प्राउड, मगर ये सुभाष घई ने बनानी थी तो उसको इंडियनाइज किया सचिन दा ने। और सुभाष घई साहब की बात करें तो उनके साथ कमाल का एसोसिएशन रहता है सचिन भौमिक साहब का। कर्ज लिखते हैं वो, कर्मा लिखते हैं वो, आगे चलकर ताल लिखते हैं, सौदागर लिखते हैं, ये सारी कहानियां सचिन युवराज, ब्लैक एंड व्हाइट। और उसी दौर के बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्टर यश चोपड़ा। यस, यश चोपड़ा ने तो सभी राइटर्स के साथ काम किया है मगर सचिन भौमिक के साथ उन्होंने विजय की और ये दिल लगी की और फासले बहुत ही खूबसूरत। तो ये दिल लगी बहुत इंटरेस्टिंग थी, फासले और विजय इतनी ज्यादा चली नहीं थी। एक और प्रोड्यूसर डायरेक्टर की बात करना बहुत जरूरी है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एकदम से नव्स पहचानते हैं, मतलब हार्डकोर मसाला फिल्मों की अगर बात करें, उनका नाम है राकेश रोशन जी। ये एसोसिएशन शुरू होता है करण अर्जुन से, अगेन एक रीइंकार्नेशन की कहानी जिसकी शुरुआत कर्ज से हुई थी कहीं ना कहीं हिंदी फिल्मों में, तो वो हमें करण अर्जुन में दिखाई देता है। आगे चलकर कोयला है, उसके बाद कारोबार, और कैसे भूल सकते हैं ऋतिक रोशन को स्टार बनाने वाली सबसे बड़ी फिल्में जो रही हैं, कोई मिल गया और क्रेश, इनकी कहानियां लिखते हैं सचिन भौमिक साहब। क्योंकि राकेश रोशन के यहाँ एक राइटर्स टीम है जिसके सचिन भौमिक वाज अ लीडर, और बहुत सारे दूसरे राइटर्स होते थे जैसे हनी ईरानी वगैरह, और ये सारी टीम मिलकर आइडिएट करती थी। तो मुझे याद है कि हनी ईरानी ने कहा था कि सचिन भौमिक इज अ जीनियस, उनको सारी हॉलीवुड फिल्में, सारी हिंदी फिल्में, रीजनल फिल्मों के बारे में पता होता था, और कभी भी कोई हम कोई सीन देते थे तो उनको फौरन पता चलता था कि ये सीन कहाँ से बोरो किया है और वो सीन को कैंसिल कर देते थे। सोचिए एक राइटर दूसरे राइटर के बारे में ये बात कहे तो बहुत बड़ी बात होती है। सचिन भौमिक साहब के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो जान लिया, पर्सनल लाइफ के बारे में जानना भी जरूरी है। मोहब्बत हो गई एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस से, हीरोइन से, जिनकी ज्यादा बात नहीं होती, क्या हुआ था ये भी जानेंगे आज सचिन भौमिक साहब की बात वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड में। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ भावना सोमैया, 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड 92.7 बिग एफएम पर एक बहुत ही खास शो जो बहुत ही खास दिन यानी कि संडे के दिन लेकर आता हूं मैं सिद्धार्थ और मेरे साथ भावना सोमैया। आज 17 जुलाई है, बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज एक बहुत ही बेहतरीन राइटर की बर्थ एनिवर्सरी है। उस राइटर का नाम सचिन भौमिक। 94 फिल्में उन्होंने लिखी हैं, 50 साल से ज्यादा का उनका करियर रहा है, ये कौन कर पाता है।
अपने आप को न सिर्फ एक्टिव रखना बल्कि वो काम करते रहना जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। ये जिंदगी हर किसी को चाहिए होती है, लेकिन उसके लिए इतनी मेहनत कौन कर पाता है। सचिन भौमिक साहब ने किया था। हमने उनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जाना, करियर के बारे में जाना, फिल्मों के बारे में जाना, एसोसिएशंस के बारे में जाना, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ के बारे में अब तक बात नहीं की है, अब करेंगे। प्रोफेसर, अगर याद हो भावना जी, एक बहुत ही बड़े स्टार शम्मी कपूर साहब और एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी अदाकारा कल्पना जी, आप सोचो कि एक इंसान जिन्होंने 94 फिल्म्स लिखी है, वो दो फिल्में लिखते हैं जिसमें एक हेरोइन होती है, प्यार किए जा और तीन देवियां, और ये दो फिल्मों के दौरान राइटर और हेरोइन का इश्क हो जाता है और वो उससे शादी कर लेते हैं। कल्पना और सचिन भौमिक की प्रेम कहानी बहुत ही मिस्टीरियस और इंट्रीगिंग है, क्योंकि सबको पता था कि कुछ चल रहा है और सडनली उन्होंने शादी कर ली और किसी को नहीं बताया। और जितनी देर तक ये शादी चली, करीबन एक या दो साल, सचिन भौमिक ने अपने सारे दोस्तों से नाता तोड़ दिया था। शर्मिला टैगोर ने बताया था कि वो पता नहीं क्यों ऐसे गुम हो गए थे और किसी से इस शादी के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। वो तब मिले उन सबको, शक्तिदा को और शर्मिला टैगोर को, जब उनकी ये शादी टूट गई और एक और शादी की उन्होंने एक बंगाली लड़की से जी, जिससे उनको एक बेटा हुआ, संदीप भौमिक। संदीप भौमिक भी राइटर है, स्क्रीन प्ले लिखते हैं। संदीप भौमिक ने कई बार अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि उनके पिता बिल्कुल ही नॉर्मल एक पिता थे और घर पर कभी उनको ये एहसास नहीं रहता था कि वो इतने बड़े राइटर है, और ज़्यादातर तो वो लुंगी और बनियान में ही घर में बैठते थे और लिखते थे। और आखिर में सचिन दा बीमार थे और 2011 में ही डाइड सडनली एट होम, और उनको क्रिमेट किया गया शिवाजी पार्क में। जब शमी कपूर और शर्मिला टैगोर और उनके जो सारे दोस्त थे, किसी को पता नहीं था कि वो इतने ज़्यादा बीमार है और या ही वॉज नो मोर। बहुत उनको बुरा लगा, कोई वहाँ पहुँचा नहीं था उनके लास्ट मोमेंट पे। ये भी वैसे बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है और बहुत ही इंस्पायरिंग बात होती है भावना जी, कि 2011 में जैसे वो गुजरते हैं, लेकिन 2008-09 तक वो कितने एक्टिव रहते हैं। वो फिल्में लिख रहे होते हैं, हिट फिल्में लिख रहे होते हैं, और वो काम कर रहे होते हैं जिनमें उनका पैशन था। इसके अलावा क्या हुआ था उसी दौरान, एन इवनिंग इन पेरिस का एक शो रखा गया था शायद पेरिस में, ओके, और शमी कपूर वहाँ गए थे और इतने ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो गए थे कि उन्होंने वहाँ से सचिन दा को भी फ़ोन किया था और शर्मिला टैगोर को भी फ़ोन किया था, क्योंकि वो सारी सड़कों पे वो घूमे थे। तो शमी कपूर के लिए ये हमेशा ये अफसोस रहेगा। और ये एसोसिएशन भी दिखाता है, ये उनकी इंसानियत को भी दिखाता है सचिन भौमिक साहब के, कि एक बार दोस्ती हो गई तो ताउम्र वो निभाते भी थे। तो आज सचिन भौमिक साहब की कहानी सुनी हमने, अगले हफ्ते एक और फिल्मी हस्ती की कहानी सुनेंगे। वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड शो का नाम याद रखें, 92.7 बिग एफएम का नाम याद रखें, मेरा नाम सिद्धार्थ है, भावना सौम्या जी को याद रखें। मिलेंगे फिर से, शुक्रिया, इजाज़त।